नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। मानव सेवा समिति के तत्वाधान में आज हनुमान टेकरी मंदिर पर एक विशाल महाआरती का आयोजन किया गया। टेकरी सरकार की यह महाआरती 1.25 लाख बत्तियों से की गई। वहीं इस महाआरती के पश्चात 11,000 लड्डुओं का प्रसादी भी वितरित की गई। यहां मानव सेवा समिति के संयोजक विजय उपल ने बताया कि उनके द्वारा हनुमान टेकरी मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जो प्रतिवर्ष किया जाता है। इस भंडारे में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। सरकार के दरबार में प्रतिवर्ष हर साल 1 जनवरी को 1.25 लाख बत्तियों की आरती, 11 लड्डू भोग और भंडारे का आयोजन निरंतर चल रहा है। इसी क्रम में इस बार हमने ये वर्ष को स्वामी विवेकानंद जी के युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमने 12 तारीख को ये कार्यक्रम टेकरी सरकार का खत्म हुआ है। आज भी यहाँ हजारों भक्तों के आने की निरंतर चल रही है और बराबर शादी पार। बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजन कर अपने द्वारा छेड़े जाने वाले एक नए अभियान की जानकारी मीडिया जनों को दी। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि वह प्रदेश सरकार से गुना जिला एवं बमोरी विधानसभा में बढ़ते हुए पेयजल संकट के संबंध में निवेदन कर रहे हैं कि गुना जिले से 3 नदियां होकर गुजरती हैं, जो कि पार्वती, सिंध तथा कूनो है। इन तीनों नदियों का शासन स्तर पर मिलान किया जाना चाहिए व नदियों को जोड़ा जावे, जिससे कि भविष्य में पेयजल की समस्या का समाधान संभव हो। वहीं आगामी अप्रैल माह में पेयजल समस्या को लेकर एक विशाल जन आंदोलन करने की बात भी विधायक ने कही। साथ ही विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्रकार जनों के अन्य सवालों के जवाब भी इस प्रेस वार्ता के दौरान दिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आते हैं जो कहते हैं कि भूमि पूजन कर लो। जब मैंने इरीगेशन सिंचाई विभाग में जाकर पता किया तो सर्वे का जो प्रिलिमिनरी हिस्सा होता है वो भी गलत हो लिया गया, अभी तक नहीं किया गया, एक पत्र नहीं है वहां पे। किसी भी जिम्मेदार मंत्री का या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कोई पत्राचार नहीं हुआ, कोई उसमें लिखा पढ़ी नहीं हुई। सिर्फ छतरपुरा और पनेटी बांध के लिए निश्चित रूप से सांसद जी का प्रयास जारी है और सरकार बनेगी तो इन नदियों के साथ साथ छोटे छोटे जो डैम्स होंगे उनको भी बनाने का प्रयास किया गया। पूरी सत्ता लड़ने के पास ये चुनाव मुंगावली और कोलरस का चुनाव सिंधिया जी वर्सेज मध्य प्रदेश शासन है और पूरी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन को यह सूचना मिल चुकी है कि दोनों विधानसभाएं 20-25 हजार वोटों से हार। निश्चित रूप से आज कोलारस मुकाबले में आज माननीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अकेले फाइट ले रहे हैं। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करील आ रहे हैं यादव समाज के सम्मेलन में और उधर हमारे भाई जयवर्धन सिंह जी लगे हुए हैं, तो हमारे एक एक सेनापति इनके लिए बहुत है पूरे मध्य प्रदेश शासन के लिए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तो होनी, मेरी तो एक विधानसभा है तो रावण के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, जानकारी लेके आप तक पहुंचा दूंगा। आप जयवर्धन सिंह जी कोई सहायता नहीं कर रहे क्या? अगर वो मांगेंगे और हमसे कहेंगे तो निश्चित रूप से जान लगा देंगे रावण के लिए। आम सभा हुई, आप सब मौजूद थे, किसान लोग मौजूद थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा था जोर से 6 तारीख को मेरे किसान भाइयों के खातों में पैसा आ जाएगा। आज 13 तारीख होने जा रही है, एक पैसा नहीं आया किसी किसान के खाते में। इससे अंदाज लगाइए कितने झूठा मुख्यमंत्री है और कितने घोषणा भी मुख्यमंत्री है। का पैसा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रमों का टेंट का खर्चा है वो भावांतर योजना से पूरा किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के टेंट आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के। अगर इस टेंट का पैसा ही अगर किसानों को बांट देते तो किसान कर्ज में उठा जाते। देखिए कांग्रेस पार्टी अहिंसावादी पार्टी है, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के संस्कारों की पार्टी है और हमारे सांसद सिंधिया जी का संपूर्ण परिवार
जिन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी की आलोचना नहीं की और तथ्यों पर बात की। मैं इस मुद्दे को यही कहना चाहूँगा कि सूर्य को जो भी झुकेगा वो ठोक उसमें पड़ेगा। बमोरी विधानसभा के क्षेत्र में पेयजल की और खेती किसानी के पानी की बहुत कमी हो गई है। सारे प्रयास असफल हो चुके हैं और अब तो एक ही रास्ता बचा है कि नदी जोड़ो अभियान के तहत हमारी विधानसभा से तीन नदियां गुजरती हैं, जिसमें पार्वती, सिंध और कूनो नदी। इन तीनों नदियों को अगर मिला दिया जाता है तो निश्चित रूप से हमारा बमोरी विधानसभा और गुना साथ साथ में यह पूर्ण रूप से पानी के लिए अमर हो जाएगा। ये राधेश्याम जी धाकड़ जहाँ तक मेरी याददाश्त है ये वही हैं जो रावगढ़ से 50,000 लोग से आ रहे हैं और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिवराज सिंह जी भी रावगढ़ से आ रहे हैं। कोलारस और मुंगावली चुनाव के परिदृश्य को देखते हुए और जो सर्वे माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं प्रतिदिन के, उसमें जो हार भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है ये उसका प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे वो राधेश्याम धाकड़ हो चाहे प्रभात झा हो पूर्ण रूप से बौखला गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस प्रतिक्रिया में कि सूरज के ऊपर कोई थूकेगा तो वो थूक खुद के ऊपर गिरेगी। राधेश्याम धाकड़ और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है वो उनको नहीं करना चाहिए थी। उनको जनता के बीच में जाके माफ़ी मांगनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को जान से मारने की धमकी का प्रकट पंजीकृत करना चाहिए। राजनीति में चुनाव को अपन लेके चले राधोगढ़ की, तो राधोगढ़ नगर पालिका चुनाव को लेकर सीएम खुद आज यहाँ पे मतलब राधोगढ़ नगर पालिका में रोड शो करने जा रहे हैं, तो इस पर क्या लगता है कि सीएम जैसा एक नेता नगर पालिका चुनाव में आ रहा है? देखिए अभी हुआ क्या है, अभी आप चुनाव दो लें तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 15 साल कोई कार्य नहीं किया है अब तो उनको गली गली घूमना पड़ेगा, छोटी छोटी नगर पंचायतों में जाना पड़ेगा। आरोन के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में युवा दिवस पर हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार, साथ ही महायज्ञ का आयोजन भी किया गया। तत्पश्चात रेडियो के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम व स्वामी विवेकानंद जी के वाचन का प्रसारण भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरोन SDM अरविंद वाजपेयी उपस्थित रहे, साथ ही तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर, नगर पालिका CMO यशवंत सिंह राठौर सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। पाद हस्तासन, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुककर हाथ के पंजों को पैरों के पंजों में पंजों के साइड में स्थापित करने की कोशिश करना है, जितना हो सके उतना प्रयास करें। पाद हस्तासन नंबर 4, अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाना है, बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाना है और घुटने को जमीन पर स्थापित करना है, बाएं पैर के घुटने को, और सामने देखते जाइए और अश्व संचालन स्थिति इसका नाम है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। भगत सिंह कॉलोनी के रहवासी इन दोनों खासी मुश्किलों में अपना समय गुजारने को मजबूर हैं। कॉलोनी वासियों की माने तो सीवेज लाइन के निर्माण में बहुत सारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में कॉलोनी वासियों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। कॉलोनी वासियों का आरोप है जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह भी घटिया तरीके का है, साथ ही तराई भी सही से नहीं हो पा रही, जिसके चलते रास्ते में गड्ढे होने की वजह से बच्चे और वहाँ के रहवासी आए दिन गिरते रहते हैं। इसके अंदर जो कोई जगह निकलना है अपने उधर वाला वो जुगाड़ में ही है, पूरा टूट गया, वही बताते हैं। समस्या ये, एक तो ये पूरे रोड खुदे हुए पड़े हैं, इसमें क्या बच्चे गिर रहे हैं डेली, और दूसरी बात ये जो इतने मटेरियल लगाया है ये टैंक बनने से पहले ही बेकार हो रहा है और इसमें पानी वगैरह तराई वगैरह कुछ भी नहीं की गई अभी तक, जिस दिन से बना है उस दिन से आज तक इस पर तलाई नहीं हुई। सीवर लाइन में फट रहे हैं वो, ये पूरे टूटते हुए जा रहे हैं, फट रहे हैं, अगर अभी इस पे से वाहन निकलेंगे तो ये तो बिल्कुल ही चूर हो जाएंगे।
खुदरा व्यापार में FDI को 100% करने की भाजपा सरकार की नीति के विरोध में आज आम आदमी पार्टी की प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। इसी तारतम्य में स्थानीय हनुमान चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब कांग्रेस सरकार ने FDI लागू करने की बात की थी तब इसी भाजपा सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया था, जबकि उसमें तो 100% FDI की बात भी नहीं की गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि किस तरह से भाजपा सरकार केवल पूंजीपतियों की ही सरकार है और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ही यह सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राधोगढ़ दौरे को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। यहां लगभग 6 गांवों के किसान अपनी हजारों एकड़ फसलों को पानी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री की यात्रा का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये किसान विगत 3 जनवरी को मुख्यमंत्री के गुना दौरे के दौरान भी उनके संबंध में ज्ञापन दे चुके थे, साथ ही संबंधित सभी विभागों को भी एक एक ज्ञापन दे चुके हैं, पर कहीं से भी उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाया। आज फिर उन्हीं किसानों ने मुख्यमंत्री की यात्रा का विरोध किया। हमारे यहाँ 1.5 महीने से हम इनके पीछे चक्कर लगा रहे हैं, तमाम नेताओं के पीछे। इसके बाद पूरे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर से लेकर और आगे तक नरोत्तम मिश्रा जी से लेकर CM को भी हम 3 तारीख को ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बाद भी आज तक हमारी कोई फसलों की कार्रवाई नहीं हुई। पिछला 1.5 महीने से पूरी फसलें बर्बाद हो गई किसानों की और कोई नहीं सुन रहा है। और गोपीकृष्ण सागर से NFL गेल को पानी दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो रही हैं। और प्रदेश के मुखिया होते हुए भी हमने 3 तारीख को इनको आवेदन दिया, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। CM का दौरा है तो आपका आज क्या प्रोग्राम है? आज हमारा प्रोग्राम है, इधर से तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो उधर से आते में उनका हम विरोध करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाई युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। इसी के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण भी किया, साथ ही वहां पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो में दिए गए भाषण के अंशों का भी व्याख्यान किया गया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की आज 168वीं जयंती यहाँ पर हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर आज मनाई है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने भारतीय संस्कृति की विजय पताका, सनातन संस्कृति की विजय पताका इस समस्त विश्व के सामने शिकागो के धर्म सम्मेलन में लहराई थी, एवं भारत ही नहीं अभी तो सारे विश्व के सामने भारत की संस्कृति को इस तरीके से पेश करा था कि आज भी हमारे मार्गों पर समस्त विश्व चलता है। और भारत को विश्व गुरु बनाने की बात अगर किसी ने करी थी तो उस महान व्यक्तित्व ने करी थी, जिसकी आज हम 168वीं जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। तो मैं आज आप सभी के माध्यम से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आज का युवा जो भूलता जा रहा है अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है और क्षणिक में आकर किसी क्रिकेटर को या किसी फिल्म स्टार को अपना आइडियल मान लेता है, उनको मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी ऐसे लोगों को जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन में समर्पित कर दिया, उनको अपना आइडियल माने, उनके पद चिन्हों पर चलें, जिससे पुनः हम भारत को सोने की चिड़िया बना सकें और भारत माता को परम वैभव पाएं। सेना भर्ती के लिए आए युवाओं ने आज रेलवे स्टेशन परिसर पर जमकर हंगामा किया, साथ ही ट्रेन की बोगी में बैठे हुए यात्रियों को भी परेशान किया। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों को भी नहीं छोड़ा, सभी परेशान होकर ट्रेन से नीचे उतर आए। इसके बाद बमुश्किल गाड़ियों को वहां से रवाना किया गया, उनके साथ सेना के जवानों को भी ट्रेन में इन छात्रों के साथ भेजा गया ताकि रास्ते में ये कोई उधम ना करें। Thank you.
रेलवे पुलिस बल के सीनियर कमांडेंट आर के सागर आज गुना पहुंचे और सेना भर्ती रैली में आए हुए छात्रों की सहूलियत से संबंधित जानकारी एवं दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने ट्रेन में सफर करने वाले छात्रों से बातचीत भी की और जानने की कोशिश की कि कहीं उन्हें आने जाने में कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। वहीं श्री सागर ने बताया कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर गुना में फोर्स मंगाया गया है जिससे सेना भर्ती सुचारू रूप से जारी रह सके और किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना किसी को न करना पड़े। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। कल तो आए थे, आज हम कल 8 चढ़ा दूंगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस और करो। ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हो, प्रैक्टिस जारी करो और बदमाशी मत करो, बदमाशी करो ना केस बनने का कोई अच्छी भर्ती नहीं देख पाओगे। ना तो खुद करो ना किसी को करना, तो तुम्हारे साथ वाला भी, तो तुम्हारे साथ वाला भी कोई करता है उसको मना करो। जो व्यवस्था लगाई गई है भर्ती को देखते हुए, इसको देखने आया था और जो स्टाफ है क्या ड्यूटी देख कर रहा है, प्लस अभी मैं जाके वही देखूंगी जो हमने स्टाफ दूसरी जगहों से मंगा रखा है उनके रहने की खाने की व्यवस्था किस प्रकार की है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। यहाँ जो व्यवस्था है, अभी मेरे असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ कल तक थे तो उन्होंने फिर बताया, तो अभी मैं आज भी देख रहा हूँ कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। आपसे भी सुझाव लेना चाहूँगा कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप लोग यहाँ के लोकल हैं तो आप यहाँ बेहतर बता सकते हैं। प्रदेश भर में आज सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं एवं अधिकारियों ने भाग लिया। इसी के चलते आज गुना में भी प्रत्येक स्कूल में कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर सूर्य नमस्कार किया। छोड़ते हुए भ्रामरी की गुंजन, शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से। कफ या जुकाम की स्थिति में बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। रेडक्रॉस भवन में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में HIV एड्स से संबंधित बातों का प्रचार किया गया, साथ ही युवाओं में विशेषकर एड्स के प्रति जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में रेड रिबन क्लब के सदस्यों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुझे 12 जनवरी युवा दिवस और इसके साथ साथ ही रेड रिबन के क्लब के सदस्यों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला थी। इसमें जो है HIV के प्रति हमें जागरूक, विशेषकर युवाओं में HIV एड्स के प्रति जागरूकता इसलिए आवश्यकता है क्योंकि युवा ही देश की एक पहचान है और युवा ही आगे ले जा सकते हैं इसको, और युवाओं को इसका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और इनके द्वारा हमारे ज़िले में रेड रिबन क्लब जो है महत्वपूर्ण गतिविधियां की जाती हैं जिसका उद्देश्य ही यही साबित होता है कि युवा आगे बढ़ें और हम इसको और आगे ले जाएँ और HIV के प्रति जागरूक रहें। चुनाव आयोग के आदेशानुसार राधोगढ़ के SDOP अनुराग पांडे को चुनाव कार्य से दूर रखा गया है। सूत्रों की माने तो राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने लिखित शिकायत में SDOP अनुराग पांडे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि अनुराग पांडे प्रत्याशियों को लेकर कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हैं।
मकसूदनगढ़ में सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहली बार बच्चों ने बाल मेला लगाया, जिसमें लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। बाल मेले के दौरान बच्चों ने कई मनमोहक चीजें बनाकर लोगों का दिल जीत लिया। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।